दोस्तों, मैं हूं इनोदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां हैं जो कि पूरे भारत में काम कर रही है, दोस्तों प्राइवेट फार्मर जो है नहीं कमा पा रहे या सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे। कमाना एक अलग बात है, किंतु मार्केट में वो टिक भी नहीं पा रहे हैं। एक बेच अगर मान लो उनकी बिगड़ रही है तो नेक्स्ट बेच वो डाल भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या कारण है? और उसके बावजूद जो है कंपनियां डेली जो है नई नई कंपनियां का निर्माण हो रहा है और ऑफिस के ऊपर ऑफिस खोले जा रही, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या कंपनियां जो है कंपनियों को के पास में बहुत सारा पैसा है जो कि लॉस में भी काम कर रही है, या फिर कंपनियों को जो है जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है ताकि जिससे वो मार्केट में टिक पा रही? तो दोस्तों यह इन चीज़ों के ऊपर हम जो है आज बातचीत करेंगे। दोस्तों वास्तविकता में इंटीग्रेशन जो कंपनियां हैं वो उनका कार्य करने का तरीका कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनका भी फीड बनाना, चिक्स देना और मेडिसिन देना और सुपरविजन करना, और दोस्तों ये ही जो है कंपनी का अगर हम बोलें तो फार्मूला है। किंतु दोस्तों इसके पीछे एक जो एक छोटा सा जो लॉजिक छुपा हुआ है वो लॉजिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जो है आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको जो है पूरी जानकारी जो है मैं इस वीडियो में दूंगा कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन कंपनियां पैसे कमा रही है। और दोस्तों हमारा उद्देश्य भी यही है, अगर इस लॉजिक को अगर हमने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि हम जो है इंटीग्रेशन फार्मूले को जो है हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले से हम भी एटलीस्ट हमारी फार्मिंग तो हम कम से कम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस इसके ऊपर हम थोड़ा बातचीत करते हैं। दोस्तों देखिए, जनरली जो इंटीग्रेशन कंपनियां हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, फीड हमें देती है, ठीक है, और जनरली लगभग पूरे इंडिया की जितनी भी कंपनियां जैसे सुगना हुआ या फिर आईबी हुई या फिर सिमरन हुई या फिर और जो दूसरी कंपनी जैसे सालीमार हुई, जो भी कंपनी जो क्षेत्रीय कंपनी है वो कोई सी भी कंपनी, सभी कंपनियां फीड को जो है 40 रुपये जो स्टैंडर्ड के हिसाब से मान रही है, चिक्स की कॉस्ट वो 30 रुपये मान रही है, और मेडिसिन कॉस्ट जो है 1 रुपये पर केजी या फिर 1.5 रुपये पर केजी, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो है कंपनी को कुछ लगता है क्या? कुछ भी नहीं दोस्तों। तो एक तो ये तीन चीज़ें, अब ये तीन चीज़ों में ही लॉजिक छुपा हुआ है कि कंपनियां कैसे पैसा कमाती है, ठीक है। अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले तो ये कि हम जैसे बोलते हैं, अगर मान लो कि उनके अगर सुपरवाइजर से भी अगर बात करते हैं तो सुपरवाइजर बोलते हैं कि दाना कंपनी का, चिक्स कंपनी का, मेडिसिन कंपनी का, तो सब कुछ तो कंपनी का है, इसके कारण जो है कंपनियां जो है मार्केट में टिक पाती। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या मतलब उनको दाना अगर क्या दाना कंपनी का है तो क्या दाना कंपनी को क्या फ्री में मिल रहा है? क्या DOC कंपनी को फ्री में मिल रही है? क्या मक्का कंपनी को फ्री में मिल रही है? दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर मान लो चिक्स भी है तो चिक्स को तो उनके HD चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, और जो उनके पेरेंट फार्मिंग जो कर रहे हैं पेरेंट फार्मिंग के लिए भी उनको पैसा चाहिए, और मेडिसिन भी अगर निर्माण अगर कर रही तो मेडिसिन के लिए भी तो प्लांट लग रहे हैं, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीमें काम कर रही। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कंपनियों को जो है सब चीज़ें कंपनी का है तो कंपनी को बिल्कुल फ्री में आ रही है, वो मार्केट से बिल्कुल रोड पे से उठा के ले आए और दाना दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों कंपनियों को भी खर्चा लगता है, किंतु अब ये कितना खर्चा लगता है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब आते हैं जो मुख्य पॉइंट है, हम की कॉन्ट्रैक्ट कंपनी इंटीग्रेशन कंपनियां कैसे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट को कम लेके आ पाती है। दोस्तों ये हो गया हमारा प्राइवेट का और ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो दोस्तों अब ये देखें कि भाई मार्केट में अगर मक्का अगर मिल रही है, आज के समय में मक्का का रेट जो भी 22-23-24 जो भी चल रहा हो, बट हमने माना कि 25 रुपये केजी के हिसाब से हमें मक्का मिल रही है। अब मान लीजिए हम छोटे फार्मर हैं, छोटे फार्मर इन द सेंस कि हम जो है 10 टन माल हमने खरीदा, तो हम किसी भी व्यापारी के पास जाएंगे, भैया मुझे 10 टन माल चाहिए, तो मुझे कंपनी जो है मक्का देने वाला, अगर मैं बोलूँगा 1 क्विंटल माल चाहिए तो वो बोलेगा मुझे 25 रुपये, अगर मैं बोलूँगा उसको 10 टन माल चाहिए तो वो मुझे बोलेगा 24 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों ये 10 टन माल अगर लूंगा तो वो मुझे बोलेगा 24 रुपये। ऐसा कैसे? मान लीजिए DOC में हुआ, मान लीजिए DOC में लेने गया तो DOC के मार्केट रेट के हिसाब से खुलता है, किंतु अगर मैं 1 क्विंटल लूंगा तो मुझे बोलेगा 40 रुपये, अगर मैं आपको 2 से 10 क्विंटल लूंगा तो हो सकता है वो 39 कर दे, या फिर मतलब 38 पैसा 50 पैसा कर दे, किन 38 रुपये 50 पैसे कर दे। किंतु दोस्तों यह हो गया मेरा 1 टन का रेट हो गया, या फिर जो है 10 क्विंटल का रेट हो गया। अब दोस्तों मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे कंपनी का कोई आदमी अगर खरीदने गया, तो दोस्तों आप कंपनी का आदमी बोलेगा, आप कंपनी का कोई भी अगर मान लो मैनेजर जाके बोलेगा कि भैया मुझे 1000 टन मक्का चाहिए, तो ऐसा थोड़ी कि 25 रुपये की मक्का सामने वाला दुकानदार उसको 10 रुपये में दे देगा, उसको भी भैया यहाँ पे अगर मुझे 24 रुपये में दे रहा है तो उसको क्या बोलेगा, भैया तू 23 में ले जा, मतलब यही तो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे मतलब कम दोस्तों
जैसे ही मान लीजिए कंपनियां भी अगर माल खरीदने अगर जाती है तो उनको भी अगर वो बल्क में भी अगर खरीदते हैं, जैसे हम मान लो 10 टन खरीदते हैं, कंपनी 1000 टनों में माल खरीदती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो 25 रुपये में जो चीज़ मिल रही है वो कंपनी को जो है 10 रुपये में मिल जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता। अगर जो 25 रुपये की चीज़ अगर हमें 24 रुपये में अगर हम 10 टन पर मिल रही है और अगर हम 1000 टन में अगर खरीदने जाएंगे तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी 23 रुपये में। अब वैसे ही अगर DOC अगर हम लेने जाएंगे तो जहाँ पर अगर हम 10 टन ले रहे हैं तो हमें 39 रुपये में मिलेगी, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा 38 रुपये में मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए भी मक्के का रेट लगभग सेम है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां हैं करती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके लिए भी, मतलब दोनों के लिए जो मार्केट में जो चीज़ें जो अवेलेबल हैं दोनों के लिए सेम है। तो दोस्तों अब जब दोनों के लिए जब समान उपलब्धता है तो फिर क्या कारण है कि प्राइवेट फार्मर मार्केट में टिक नहीं पा रहा है और इंटीग्रेशन कंपनियां नए डेली नए नए ऑफिस खोल रही है, तो उसके ऊपर हम जो है आज पूरा प्रकाश डालेंगे, उसको समझेंगे कि क्या कारण है कि कंपनियां इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती है या फिर मार्केट में टिक पाती है। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैंने जो है इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है, उसके बाद में जो है मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। जब भी कोई इंटीग्रेशन कंपनी फीड प्लांट अगर डालती है तो उसके पैरेलल में जो है कंपनी एक सोया DOC का ऑयल प्लांट भी डालती है, या फिर हर जगह पे जहाँ पे फीड प्लांट डालती है वहाँ पे हर जगह पे कंपनी सोयाबीन का सोया ऑयल प्लांट नहीं डालती, किंतु सोयाबीन ऑयल का जो है कंपनी का प्लांट रहता ही है और खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहती है। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि सोया ऑयल प्लांट कंपनी क्यों डालती है। दोस्तों थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब भी कोई कंपनी अगर मार्केट में अगर पैसा कमा रही है या फिर प्रॉफिट में अगर है आज के समय में, तो वो कंपनियां उसका मुख्य कारण है बाय प्रोडक्ट, मतलब जो कंपनी बाय प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर लेगी वो कंपनियां जो है मार्केट में कभी भी नुकसान में नहीं जाएगी और उसी से जो कंपनियां जो है ग्रोथ कर पा रही। तो दोस्तों यह कंपनी भी जो है दाने की प्रोडक्शन कॉस्ट इसीलिए कम कर पा रही है क्योंकि यह कंपनी बाय प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। अब दोस्तों वो कैसे, सोयाबीन जो है सोया ऑयल प्लांट किसी भी कंपनी ने डाला, मतलब कि सोयाबीन से ऑयल निकालना। तो दोस्तों अब देखिए, अब यह हमें पता है कि सोयाबीन में कितना परसेंट ऑयल का परसेंटेज होता है, 15%। वैसे अब जो है 15 से 20% बताते हैं, किंतु हमें जो है हमने माना है कि सोयाबीन में मिनिमम से मिनिमम 15% ऑयल तो रहता ही है। तो ठीक है दोस्तों, अब 15% ऑयल है मतलब कि 7 kg अगर हम सोयाबीन को प्रेस करेंगे तो उसमें से जो है 1 kg हमें ऑयल जो है हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया कि हमने 7 kg हमने ऑयल प्रेस किया, 1 kg हमें शुद्ध खाने का तेल मिल गया, सोयाबीन तेल मिल गया। ठीक है, अब वो प्रोसेस करना है, उसमें जो है पाम ऑयल मिलाना है, क्या मिलाना है वो सब अलग कहानी है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमने 7 kg सोयाबीन को जो है प्रेस किया और हमें 1 kg हमें ऑयल देखने को मिल गया। अब ये हो गया हमारा एक प्रोडक्ट, ये हमें देखने को मिला। अब आज के समय में मान लीजिए कि सोयाबीन का रेट अगर हम माने तो कितना हो गया, 50 रुपये प्रति kg। तो 7 kg सोयाबीन का कितना रेट हो गया, 350 रुपये हो गया। अब दोस्तों ये हमारा टोटल फुल प्रोडक्ट का रेट हो गया कि हमने जो पैसा इतना दिया। अब दोस्तों इसमें से 1 kg सोयाबीन का तेल हम माने अभी मार्केट में 140-150 रुपये किलो एक पाम ऑयल मिल रहा है, जो कि एक थर्ड क्लास कैटेगरी का जो है ऑयल है, उसके बाद में भी हम खा रहे हैं। तो दोस्तों शुद्ध सोयाबीन का तेल हम फिर भी 200 रुपये लीटर तो मान के ही चलें। तो दोस्तों आप देखिए, 350 में से हमने 200 रुपये की चीज़ तो हमने बेच दी, अब हमारे पास में लागत में कितना रुपये बचा, मात्र 150 रुपये। तो ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों कि अब हम मतलब 200 रुपये, 350 में से 200 रुपये निकल गए, अब हमारे पास में बचा है मात्र 150 रुपये लागत बची है। अब हमें इसकी कम कीमत को जो है डिसाइड करना है कि कितने की पड़ रही है। अब ये देखिए थोड़ा सा कि अगर हम सोयाबीन के 1 kg सोयाबीन पीस रहे हैं तो उसमें से 150 ग्राम हमें ऑयल मिला, तो 850 ग्राम हमें क्या मिला, DOC। तो दोस्तों टोटल अगर हम 7 kg पीसेंगे उसमें से 1 kg ऑयल निकल गया तो हमारे पास में बचा कितना, 6 kg DOC, मतलब 6 kg DOC हमें यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल गई। अब देखिए दोस्तों आज के समय में DOC का अगर मार्केट में रेट अगर हम माने तो कम से कम भी अगर है तो 40 रुपये प्रति kg के हिसाब से DOC का रेट है। ठीक है, अब दोस्तों अब जब ये DOC का रेट ये मार्केट रेट में निकल के आ गया, अब दोस्तों अब हम वापस आते हैं हमारे बाय प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो दोस्तों 200 रुपये का हमने तेल बेच दिया, हमारे पास में बचा कितना, 150 रुपये। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि मतलब कि हमारे पास में 6 kg DOC बची और हमें हमारे पास में लागत में कितने रुपये बचे हैं, 150 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 150 में 6 का भाग कर देंगे, टोटल निकल के आ गया 25 रुपये प्रति kg, मतलब जो DOC हमें मार्केट में 40 रुपये मिल रही है वही DOC कंपनी को मात्र वो 25 रुपये में बन के तैयार हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो वो मार्केट में हमें जो है
40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम DOC डाल रहे हैं और वहाँ पे वहीं पे कंपनी 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, ये हो सकता है और कम हो सकता है या फिर ये इसमें 1-2 रुपये प्लस या माइनस हो सकता है। किंतु दोस्तों कंपनी को जो स्ट्रेटेजी ये है, जो काम करने का जो तरीका है वो यही का यही है। जैसे मान लीजिए 25 रुपये प्रति केजी में DOC मिल गई। अब दोस्तों जहाँ पे आपको जो है DOC, आप मान लीजिए कि एक क्विंटल में 30 केजी आप डाल रहे हैं तो 3×4=12 120 रुपये की DOC डाल रहे हैं, वहीं कंपनी जो है आपको जो है 75 रुपये की DOC डाल रही। तो दोस्तों सिंपल सा यहीं का यहीं पे हो गया ना आपके प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्चा, तो सिंपल सा ये हो गया। अब ये तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई है, इसमें जितने भी कंपोनेंट जो डलते हैं सभी को जो कंपनी ने जो है बायफ्रिकेट कर रखा है, अलग अलग उनका जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में काम कर रही है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि सिंपल सा दोस्तों हम अगर मान लो मार्केट से DOC खरीद के एक क्विंटल में जो है हमें 30 केजी DOC लग रही है तो 40 रुपये के भाव से 1200 रुपये की DOC लग रही है, जबकि दोस्तों कंपनी अगर मान लो फीड अगर बना रही है तो उसको भी 30 केजी DOC लग रही है, किंतु उसको किस रेट में पड़ रही है DOC 25 रुपये में, तो टोटल कितने में पड़ी उसको DOC 750 रुपये में। दोस्तों 750 जो हम 1200 रुपये माइनस कर देंगे तो कंपनी को कितना बच रहा है, ये 450 रुपये। अब दोस्तों 450 रुपये मतलब सिंपल सा जो कंपनी का जो है 4.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दाना कम हो गया, मतलब जहाँ पे हमें दाना अगर 35 रुपये प्रति केजी के हिसाब से पड़ रहा है तो कंपनी को वहाँ पे वो दाना जो है 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ही पड़ रहा है दोस्तों। और ये उस कंडीशन में है कि जिस कंडीशन में अभी हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया है। अब दोस्तों इसमें लगने वाले बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके भी हम बाय प्रोडक्ट में जो है उनको देख सकते हैं। तो सिंपल सा जब एक प्रोडक्ट के ऊपर जो कि 30% लगता है तो उसमें जो है 4.5 रुपये दाने की कीमत कम हुई, अब वो कैसा हो अगर दाने के 70% कीमत जो लगता है वहाँ पे अगर हम 10 रुपये गिरा दें तो सिंपल सा दाना हमारा 20 रुपये के अंदर तैयार हो जाए। तो मतलब कंपनियाँ जो है बाय प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, इसमें वही का वही और कोई लॉजिक नहीं है। अगर इस प्रकार के लॉजिक के ऊपर हम काम करने लग जाएं तो हम भी जो है एक छोटी मोटी इंटीग्रेशन कंपनी हम चला सकते हैं, या फिर अगर हमें ब्रॉयलर इंडस्ट्री में अगर सफल होना है और ब्रॉयलर इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है और कमाना है तो दोस्तों हमें जो है बाय प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा और हमें जो है कंपनी के जैसे ही सोचना पड़ेगा। मतलब कि अब जैसे मैं जो है अब अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो में लंबा हो रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।